करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। हाँ, निर्णय लेने से थोड़ा बदलता है, लेकिन निश्चय करने से सब कुछ बदल सकता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 12 जिलों में अब NDDB करेगा पशु कृत्रिम गर्भाधान का काम। रांची के जानुम गांव में चलाया गया कृषक जागरूकता अभियान। और अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद वर्धमान। अब समाचार विस्तार से। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने राज्य के 12 जिलों में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से पशु कृत्रिम गर्भाधान कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। भारत सरकार ने नेशनल डेयरी प्लान के तहत 3 राज्यों में दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना शुरू की है। इसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इस कार्य के लिए इन तीनों राज्यों में अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीते दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रांची के अनगड़ा प्रखंड स्थित जानुम गांव में कृषक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका विषय था किसानों की भागीदारी हमारी प्राथमिकता। इस कार्यक्रम में किसानों को जैव विविधता, मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन और फसल विविधीकरण विषय की जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों में डॉक्टर PK सिंह, डॉक्टर DK शाही और डॉक्टर PB साहा उपस्थित थे। मुर्गी पालन से बेहतर कमाई करने के लिए मांस या अंडा उत्पादन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मुर्गियों के नस्ल चुनें। मांस के लिए ब्रॉयलर मुर्गी पालन करें, अंडा के लिए व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल की मुर्गी पालें, जबकि स्थानीय देसी नस्ल में मांस और अंडा दोनों के लिए झारसिम नस्ल की मुर्गी पालें। ब्रॉयलर मुर्गियां करीब 2 महीने में बाजार में बेचने लायक तैयार हो जाती हैं। बाजार में मांस के लिए सबसे अधिक खपत ब्रॉयलर मुर्गियों की है, जबकि झारसिम नस्ल की मुर्गी करीब 10 से 15 सप्ताह में 1.5 से 2 किलोग्राम की हो जाती है। इसकी मांस की भी बिक्री होती है और अंडा की भी। एक साल में ये लगभग 150 अंडे देती है। इस दृष्टिकोण से झारसिम से आप दोहरा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप अदरक की खेती करना चाहते हैं तो मई महीने में फसल लगाने का काम पूरा कर लें। झारखंड में अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा लगाएं। अदरक की बुआई में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज के लिए 1 से 2 आंख वाले गांठ का चुनाव करें। अदरक से ज़्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद वर्धमान, सुरुचि, सुरभि या सुप्रभा लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान मकई के भुट्टे से दाना छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण ट्यूबलर हैंडमेड सेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं बैगन फसल में समेकित कीट प्रबंधन के तहत रासायनिक दवा का प्रयोग किए बिना बंधक कीट और फलछेदक कीटों को कैसे नियंत्रित करें। किसान भाइयों, बैगन फसल में बंधक कीट और फलछेदक कीटों के रोकथाम के लिए 5 गंधपास यानी 5 फोरमैन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में लगाएं। ये कीट इसमें फंसकर मर जाएंगे और फसल कीट मुक्त रहेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 37 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार।
जिसके अंतर्गत अपनी जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बारी है जानकारी की, तो आज की जानकारी के लिए हम आपको लिए चलेंगे हमारे स्टूडियो में, जहां विशेषज्ञ मौजूद हैं। आज की जानकारी है तसर खाद्य पौधों के साथ अन्य कृषि फसलों की समेकित खेती के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी, उठाते हैं लाभ। खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जमीन बहुत सीमित है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी हमारी जिम्मेवारी है, साथ ही साथ हमारे लिए एक अतिरिक्त आय की भी व्यवस्था हो। इन तमाम चीज़ों को अगर साथ में लेकर चले तो हम कह सकते हैं कि हम समेकित कृषि की ओर आगे बढ़ें। ऐसे में अगर आप तसर के खाद्य पौधे लगाते हैं तो उसमें अन्य समेकित कृषि किए जा सकते हैं, बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती है। कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, किस तरह से आप अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और इसके क्या लाभ हैं, इन तमाम विषयों पर आज हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गांधी दास। डॉक्टर गांधी दास केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र पिस्का नगरी में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं।
डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, झारखंड जैसे राज्य में जहां पर बड़े पैमाने पर वन जंगल उपलब्ध हैं, बहुत सारे किसान भाई तसर का उत्पादन करते हैं, यहां पर बहुत सारे खाद्य पदार्थ, खाद्य जो पौधे हैं उनको लगाते हैं, बहुत सारे पौधे हैं जो जंगलों में से ही वो कीट रेयरिंग करते हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो यहाँ पर अपने अपनी तरह से लगा कर करते हैं। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिससे किसान लगा सकते हैं खाद्य पौधे के रूप में? सभी किसानों का मेरा नमस्कार। थसर खाद्य पौधे में चार मेन पौधे हैं। एक साल है, वो तो जंगल में है, और आसन, अर्जुन और जरूर, ये तीन आप पालन कर सकते हैं किसान भाइयों अपना खेत में। साल को क्यों नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ा पेड़ है, उसको मेंटेन करने में दिक्कत होता है, प्रूनिंग पोलार्डिंग कर कर उसको शेप देने में प्रॉब्लम होता है, रिजनरेशन ब्रांच निकालने में दिक्कत है, इसलिए अर्जुन, आसन और जरूल को यूज़ करते हैं खाद्य पौधे का हिसाब से। हम लोग खेत में पालन करते हैं किसान भाइयों का, हम लोग उसका टेक्नोलॉजी भी हमारा इंस्टीट्यूट में तैयार करते हैं, कैसे पौधे पालन, कितना अंतर में लगाना है, कितना कीट पालन। बिल्कुल, यही प्रश्न है डॉक्टर साहब कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसान भाई हैं और वो अभी तसर खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो तसर खाद्य, तसर का उत्पादन करें अपने क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से खाद्य पौधों की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि वो जरूर लगा रहे हैं या आसन लगा रहे हैं, तो जो पौधों की दूरी होगी किस तरह से लगाएं ताकि वो साथ में दूसरे फसलों की भी खेती कर सकते हैं? जरूर, उसके लिए आपको खाद्य पौधों को अंतर देना है 10x5, 10 फीट बाई 5 फीट। एक श्रेणी में 10 फीट रखेंगे, नेक्स्ट श्रेणी में दो श्रेणी का अंतर 5 फीट दूरी रखेंगे। इसके अलावा ज़्यादा आपको 10x10 फीट भी पालन कर सकते हैं, 12x12 भी कर सकते हैं, 10x6 भी कर सकते हैं, और 6x6, 8x8 ये भी करते हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। एरिया, जितना एरिया मिलता है उनके पास है, उनका अनुसार आपको पौधे का नंबर भी बढ़ाना चाहिए ताकि आपका कीट पालन ज़्यादा कर सके, कोशा भी ज़्यादा मिल सके, अकॉर्डिंगली वो अंतर को डिसाइड करते हैं। तो उसका बीच में आपको कोई भी दिस फसल आप ले सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फसल। तो जैसे अभी जो किसान तसर का उत्पादन करना चाहते हैं, वो जो लगाएंगे, तो कितने समय के बाद ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें हम तसर कीट पालन कर सकते हैं, क्या समय होगा इसका? खाद्य पौधे को हम लोग नर्सरी में तैयार करते हैं बीज से, नहीं तो कटिंग से तैयार करते हैं, तो एक साल, एक 6 महीना से 1 साल तक एज्ड पौधे को पहले आप खेत में लगाते हैं, उसका जितना अंतर रखेंगे उसना अंतर में 10x6, 10x5, 10x6 इसका अंतर में, तो लगाने के बाद आपको जरूर जल्दी बड़ा हो जाते हैं। अच्छा, वो कीट पालन लायक उनका 2-3 साल में बन जाता है, 3 साल के बाद उस पौधे में आप कीट पालन कर सकते हैं जरूर में। जैसे अर्जुन के पौधे में 4 साल लगते हैं उसका एस्टेब्लिशमेंट पीरियड जो बोलते हैं, और आसन में 5 साल लगते हैं, क्योंकि स्लो ग्रोइंग, स्लो उसका ग्रोथ रहता है, सो इसलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं। आसन में आपका लीफ पत्ती बहुत बड़ा है, उसका क्वालिटी भी अच्छी रहते हैं, सो कीट पालन में अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, कोशा भी ज़्यादा बनते हैं। जरूर बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्री है, पेड़ है, सो उससे भी अभी बहुत अच्छी कीट पालन, तसर का कीट पालन करते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये जो हमने शुरू में ही एक बात कही कि ज़मीन हमारे पास सीमित है और हमको कई तरह की फसलें उगानी है, तो अगर हम इन खाद्य पौधे जो हैं तसर के, इनके साथ जो हम फसल उगाना चाहेंगे, तो कौन कौन से फसल हम उगा सकते हैं, इसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, जैसे आपको पत्ती वाले सब्जी है, और शीतकाल में शीतकालों का सब्जी भी पालन कर सकते हैं, और कैश क्रॉप जो बोलते हैं, नकदी फसल जिसको बोलते हैं, अदरक है, हल्दी है, ऐसा वाला, और ब्रोकोली, फूल गोभी, बंधा गोभी, ये भी शीतकाल में कर सकते हैं, और दलहनी फसलों में आपका
मूंग दाल, मूंगफली, उड़द दाल, ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन 3 से 4 महीने के तक अंतर आपको फल देते हैं, उसको उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। साइड बाय साइड आपका रियरिंग से भी, आपको कीट पालन से भी करते हैं। जब ये पौधे लगाने के बाद जब वो एस्टेब्लिशमेंट पीरियड में रहते हैं उस टाइम कीट पालन नहीं कर सकते हैं। 5 साल तक आसन में, 4 साल तक अर्जुन में, 3 साल तक जरूल में, तो उस टाइम पर ये इंटरक्रॉपिंग कृषक भाई कर सकते हैं, उसे इनकम मिल सकते हैं। ऐसे पौधे, खाद्य पौधे बड़ा हो गया, सोच लीजिए, तो उधर कीट पालन शुरू कर दिए हैं, तो साल में 2 बार या 3 क्रॉप लेते हैं। अच्छा। जून से आपका दिसंबर जनवरी तक, अदर टाइम्स में, दूसरा टाइम में खाली रहते हैं, कीट पालन नहीं होते हैं, उस टाइम में ये इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। बिल्कुल। ताकि इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आय ले सकते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो फसल हम लगा रहे हैं, बहुत तरह की फसलें आप बता रहे हैं, दलहनी फसल लगा सकते हैं, पत्तीदार सब्जियां लगा सकते हैं, साथ ही साथ गाजर, मूली वगैरह भी लगा सकते हैं, कुछ औषधीय पौधों का भी उत्पादन संभव है क्या? औषधीय पौधों का भी बहुत ही अच्छी प्रश्न है, बहुत कर सकते हैं। जैसे कालमेघ है और भूमि आंवला है और एलोवेरा बोलते हैं, वो सब करते हैं। ये मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, हम लोग का इंडस्ट्री में, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत चाहता है। सो इसको बल्क प्रोडक्शन करेंगे तो इसका बहुत फायदा हो, बिल्कुल इनकम भी मिल सकता है। और जब हम समेकित खेती कर रहे हैं तो हम एक तो भूमि का प्रकार भी देख लें कि किस तरह की भूमि है, उसमें किस तरह की खेती की जा सकती है, साथ ही साथ ये ऋतु जो है, ये जो मौसम है, जैसे शीतकाल है या गर्मी है, या उस हिसाब से भी पौधों का चयन करना चाहिए। उस हिसाब से पौधों को चयन करना है, चेंज करना है। और जैसे दलहनी फसल करेंगे उसका फायदा ज़्यादा है, तो बरसात में वो करना अच्छा है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो पौधे, दलहनी फसल रूट्स नोड्यूल्स रहते हैं वो फिक्स करते हैं, आपका सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीस होते हैं, तो वो बड़ा आपका तसर खाद्य पौधे को मिल जाता है। तो मतलब ये आमतौर पर एक धारणा बनती है डॉक्टर साहब कि जब हम लगाते हैं तसर खाद्य पौधे और उसमें कीट पालन करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या जमीन को क्या फायदा होती है, क्या उसका लाभ होता है जमीन को? नो, इंटरक्रॉपिंग में आपको जमीन का मिट्टी का गुण बढ़ते हैं, गुणवत्ता उसका क्वालिटी बढ़ते हैं, जैसे माइक्रोबियल लोड इन सॉइल में बहुत अच्छा बढ़ते हैं, पीएच नॉर्मल होते हैं, एसिडिक पीएच मीडियम में आते हैं, अल्कलाइन कम हो जाता है। सो पीएच मिट्टी का आजकल सॉइल को सेव करना है, ऐसा बहुत प्रचलन है, पूरा देश में बहुत जरूरी है, बहुत उपजाऊ बनाना है, पूरा पृथ्वी में सब देश में कर रहे हैं, इंडिया में भी, भारत में भी करते हैं रहते हैं, तो हम लोग वो इंटरक्रॉपिंग से मिट्टी का गुण बढ़ा सकते हैं और जीवाणु जो लोड है सॉइल में वो सिकोड़ को, वो रूट को, पेड़ का, पौधों का रूट को अच्छी तरह अपना न्यूट्रिएंट्स लेने में मदद करते हैं, जैसे आपका वाटर, अदर न्यूट्रिएंट्स, खाद्य पोषक तत्व जो पोषक को लेने के लिए मदद करते हैं, वो जीवाणु, मिट्टी का जीवाणु को मेंटेन करना भी बहुत आवश्यकता है, ये इंटरक्रॉपिंग करने से वो भी बढ़ते हैं, सॉइल का क्वालिटी बढ़ते हैं, सॉइल का हेल्थ अच्छा रहते हैं, सॉइल का हेल्थ अच्छा रहेंगे तो आपका खाद्य पौधे का प्रोडक्शन, पत्ती का प्रोडक्शन अच्छी होगी और कोशा प्रोडक्शन भी अच्छी होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि पौधे बड़े होने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में जो लाइट आता है, जो प्रकाश आता है, तो वो तो जरूरी है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करना ही है पौधों को, तो जब बड़ा होने लगता है तो किस तरह से व्यवस्था करें ताकि वो जो लाइट है वो जमीन तक पहुंचे और पौधों को ठीक से मिल सके, क्या करना चाहिए इसके लिए? हाँ, सही बोले हैं, हम लोग का खाद्य पौधे को प्रूनिंग पोलार्डिंग में मेंटेन करते हैं, उसका ट्रंक को उसकी जो शाखाएं उसको कटिंग करते हैं 5 फीट लेवल में कटिंग करते हैं, नहीं तो आपका चौक रियरिंग करेंगे तो 3 फीट लेवल, आपको जमीन से 3 फीट का ऊपर उसका ट्रंक को प्रूनिंग करते हैं, उसके बाद साइड ब्रांचेस आते हैं उसको पोलार्डिंग करते हैं, प्रूनिंग करके शेप देते हैं ताकि आपका कीट पालन आसानी से हो, अदरवाइज आपका
बहुत बड़ा बड़ा ब्रांचेस हो गया, पेड़ बन गया 10 फीट 12 15 फीट। कीट पालन बहुत दिक्कत होते हैं, उसका कीट को छाड़ना और निकालना, उसका शिफ्ट करना, ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होते हैं। सो उसको प्रूनिंग कर कर मेंटेन करते हैं शेप, तब वो डायमीटर, वो क्राउन का डायमीटर 3 से 4 से 5 5 फीट का अंतर रहते हैं, और 8x8 में लगाएंगे पौधे को तो बीच में 4 फीट का गैप रहते हैं, उसमें रोशनी, सूर्य का रोशनी मिलता है, ज़मीन तक पहुंच जाते हैं, तो इंटरक्रॉप का उतना नुकसान नहीं होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होते हैं। तो ऐसा शेप देने से कीट पालन भी आसान होते हैं और आपका वो इंटरक्रॉपिंग का फसलों का भी कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं होते हैं। बिल्कुल, तसर तो खुद में एक कीट है, और जब हम नीचे फसल लगाते हैं तो बहुत सारे कीट उसमें लग भी सकते हैं। कई बार होता है कि जो फसल लगाते हैं उसमें कीट लगते हैं, तो ये जो ऊपर में जो फसल है हमारा तसर का जो ये है, और नीचे जो हम कीट लग रहा है, तो इससे कोई नुकसान होता है या इसके बचाव के लिए आप कुछ बता सकते हैं? ना, खाद्य पौधे का कीट पालन जो कर रहे हैं वो सिल्कवाम जो बोलते हैं रेशम कीट, उसका पत्ती खाते हैं, उसके अलावा दूसरा फसलों का पत्ती नहीं खाते हैं। ऐसे ही आपका इंटरक्रॉप में जो क्रॉप आप ग्रो करते हैं उसका कीट लग सकते हैं। वो इधर आपका अर्जुन आसन पेड़ का ऊपर उतना असर नहीं पड़ते हैं, फिर भी कंट्रोल करना ही पड़ता है हम लोग का। इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड जैसे आपका नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करेंगे तो उसको दोनों को लाभ होगा, वो दोनों इसमें भी लाभ होगा, कंट्रोल होगा, दोनों का कंट्रोल होगा। इको फ्रेंडली मेथड्स अभी फॉलो करने से बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी हम लोग को, एनवायरनमेंट को भी बचाकर हम लोग को आगे ले जाना है। बिल्कुल, इसलिए सॉइल हेल्थ को भी मेंटेन करेंगे और खाद्य पौधे का भी हेल्थ मेंटेन करेंगे, ताकि आपका कीट पालन और कोशा प्रोडक्शन अच्छी होगी, दोनों को साथ साथ केयर ले सकता है। केमिकल इंसेक्टिसाइड साथ स्प्रे करेंगे उसका रेसिड्यू रह जाते हैं मिट्टी में, नहीं तो प्लांट पौधे में, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते। बिल्कुल, और रासायनिक जो हम प्रयोग करते हैं, जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग तो बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, जहां तक संभव हो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और चूंकि दोनों ये जो कीट है ये काफ़ी डेलिकेट होता है, काफ़ी ये होता है, तो इसमें इसे बचाने की भी कोशिश होनी चाहिए। जब हम अतिरिक्त आमदनी की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो कितना अतिरिक्त आमदनी आप देखते हैं अगर कोई तसर की खेती, तसर कोसा निकालने के लिए खेती कर, उसके साथ समेकित खेती को जोड़ दे, तो आमदनी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? आपको खाद्य पौधे से 1 हेक्टेयर से आपको 45 से 50 हज़ार तक आय मिलता है, इसके साथ इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो उससे 15 से 25 हज़ार अतिरिक्त आय हमारा कृषक बंधुगण बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल मिलाकर 75 हज़ार का 1 हेक्टेयर से आपका एक साल में फ़ायदा मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो देखते हैं हमें, वो चाहते हैं कि हम इसकी खेती करें, और चूंकि वो समेकित खेती और तसर की खेती को समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे किसानों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था है कि ये जानकारी प्राप्त कर सके, उनको जानकारी मिले कि हम तसर पौधे के साथ, तसर उत्पादन के साथ दूसरे फसल की खेती करें, या फिर तसर की ही खेती हम अच्छी ढंग से करें, तो क्या प्रशिक्षण वगैरह की व्यवस्था, किसी तरह का ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था है? हमारा इंस्टीट्यूट में कृषकों जो आग्रह है खाद्य पौधे, तसर खाद्य पौधे पालन करना चाहते हैं, कीट पालन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी प्रशिक्षण का व्यवस्था है। उधर टेक्नोलॉजी पार्क भी है, वहाँ टेक्नोलॉजी का डेमोंस्ट्रेशन होते हैं, और जो विजिट करना चाहते हैं विजिट कर हमारा इंस्टीट्यूट में म्यूजियम है, प्रशिक्षण विभाग है, और टेक्नोलॉजी पार्क, और प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी देते हैं आपका खाद्य पौधे संरक्षण अनुभाग में, सब संवर्धन अनुभाग में जी। उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कोई। अच्छा, भी जो किसान जुड़ना चाहते हैं आपके साथ, वो चाहते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को देखें, तो कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं? इसको मार्गदर्शन आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं मतलब क्या हर तरह का किसान आपके पास आ सकता है, कोई भी इच्छुक व्यक्ति
वो अगर करना चाहता है तसर की तसर खाद्य पौधों के बारे जानना चाहता है या समेकित कृषि के बारे जानना चाहता है या तसर के तमाम आयामों को जानना चाहता है तो आपसे अगर जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या कोई निश्चित क्वालिफिकेशन है या कोई भी तसर खेती करने का इच्छुक जुड़ सकता है क्या? कोई भी कृषक इच्छुक है, खेत पालन कर खाद्य पौधे पालन करेंगे, कीट पालन करेंगे तसर का, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं। एनीबडी कोई भी आकर हमारा इंस्टीट्यूट को अप्रोच करेंगे, उनको प्रशिक्षण फ्रीली देते हैं। और अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जो प्रशिक्षण है वो किसी भी तरह का कोई शुल्क उसमें नहीं लगता, कोई चार्जेज नहीं है इसमें। जैसे अब प्रधान ग्रुप्स है आपका, दुमका डिस्ट्रिक्ट, गोड्डा और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारा किसानों भाइयों अपना सोसाइटी से आकर इधर ट्रेनिंग लेते हैं। कभी कभी साइंटिस्ट लोग यहाँ हमारा इंस्टीट्यूट से वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर कृषकों को अपना जगह पर जाकर, दूर दराज के इलाकों से यहाँ नहीं आ पाते हैं उनके लिए जो वैज्ञानिक है वहाँ जाकर भी जाकर ट्रेनिंग दे सकते, ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आप तसर खाद्य पदार्थ पौधों की खेती कर रहे हैं ऐसे में आप साथ में समेकित कृषि भी कर सकते हैं और बहुत सारी फसलें हैं, वैरायटी है फसलों की, जिसमें आप मसालेदार सब्जियां हैं, औषधीय पौधे हैं, सब्जियां हैं या फिर कहिए कि दलहनी फसलें हैं, तमाम फसलें आप उगा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो तसर खाद्य पौधों के साथ आप समेकित कृषि कीजिए, साथ ही साथ आप सुखी हों, संपन्न हों, आपकी आमदनी बढ़े, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की टीम को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, नमस्कार।